दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि प्रतिदिन मैं लेकर आऊंगा, तो आज इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मतलब कि खतरनाक क्वेश्चंस भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जो है न केवल आपको जो है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि जो सब्जेक्ट है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप बहुत हद तक जो है गलती करने की संभावना रख सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि जो भी क्लोज टेस्ट आएगा आपके परीक्षा में वो हर हमेशा करेंट अफेयर्स से या करेंट जो मामले हैं उससे ही होगा। तो इस वजह से जो है एक तो लैंग्वेज को तो समझना ही समझना है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है क्लोज टेस्ट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम क्लोज होते हैं मीनिंग्स में, लेकिन उनका जो यूज़ है पर्टिकुलर यूज़ वो एक ही हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लेस में। तो इस वजह से जो है क्लोज टेस्ट काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज के क्लोज टेस्ट में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहला है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई हैज डैश इट्स सेकेंड इन कमांड राकेश अस्थाना एज एन डैश इन ब्राइबरी केस अलोंग विथ अनदर एजेंसी ऑफिशियल एंड टू प्राइवेट डैश। अब यहाँ तक आपको समझना है, इसमें तीन आपको जो है फीलर्स हैं। अब वो क्या क्या समझना है, पहली तो बात है कि सीबीआई जो है अपने इट्स मतलब यहाँ पर जो है अपने सेकेंड इन कमांड मतलब फर्स्ट इन कमांड जो है वो तो इसका बॉस ही हुआ, और सेकेंड इन कमांड जो उसके जस्ट सबॉर्डिनेट जो हुआ, ठीक है ना। तो अपने सेकेंड इन कमांड जो है राकेश अस्थाना जिनका नाम है उसको क्या किया है सीबीआई ने, पता नहीं है मेरे को। ठीक है, एक किसके रूप में एज एन डैश इन अ ब्राइबरी केस। अब आपको ये पता चल गया कि एक ब्राइबरी केस में कोई राकेश अस्थाना जो सेकेंड इन कमांड है सीबीआई के, उनको क्या किया गया है वो हम देखेंगे जो इसका आंसर है जो इसका ऑप्शन है उसके बाद बताएंगे। अलोंग विद अनदर एजेंसी ऑफिसियल, किसके साथ, एक अन्य इसी एजेंसी के अधिकारी के साथ और दो प्राइवेट डैश के साथ। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये देखिए मैक है, मैक आएगा। देखिए इसको पहले देखते हैं, हैज़ है तो हैज़ है तो ऑल हर हमेशा हैज़ के साथ क्या होता है, या तो हैज़ को अगर आप मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप नाउन का यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। लेकिन अगर आप हैज़ को या हैव को मतलब कि वर्ब यानी कि वर्ब कौन सा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद जो है V3 का यूज होता है, ये आपको पता है। तो V3 में कौन आ जाएगा, तो ED वगैरह वगैरह आता है, तो डिटेल हो गया जैसे, तो हैज डिटेल तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया आपका, डिक्लेयर भी कट गया आपका, ठीक है, नेम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नामित किया है, नेम्ड मतलब नामित करना, ठीक है ना, उन्होंने मतलब कि सीबीआई ने नामित किया है इसको सेकेंड इन कमांड राकेश अस्थाना को किसके रूप में किया है, एज एन डैश इन अ ब्राइबरी केस। तो ब्राइबरी केस में किसी आरोपी के रूप में किया होगा, तो देखते हैं क्या, करप्ट के रूप में तो ब्राइबरी केस में करेगा नहीं, ये कट गया। असाइंड के रूप में ये भी नहीं होगा, असाइंड मतलब किसी को सौंपना, असाइनमेंट सौंपते हैं ना, तो वही चीज असाइंड होता है, द टास्क वॉज असाइंड टू यू। एक्यूज्ड, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है एन लगा हुआ है इससे भी आप पकड़ सकते हैं, इसके बाद जो है जो भी आएगा वो वॉवेल्स आएगा, तो एक्यूज हो सकता है और एक्विट हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्विट का मतलब क्या होता है, बरी करना, जिसको बरी कर दिया गया है, और मतलब एक्विटेड होता है वो, एक्विट का एक्विट वर्ब है, तो ये कट गया अपने आप में। तो एक्यूज जो है वो आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ईडी लग गया, V3 हो गया, एक्यूज में लग गया भी मतलब कि ईडी यानी कि वो उसके आप V3 बना दिए, तो वो जो है अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है। तो राकेश अस्थाना को एक एक्यूज के रूप में प्रस्तुत मतलब कि उसको इसमें नामित किया, ठीक है ना, नेम्ड है ना, तो नामित किया किसमें, अलोंग विथ अनदर एजेंसी ऑफिशियल, किसके साथ, अलोंग विथ मतलब उसके साथ, तो साथ किसके, एक अन्य एजेंसी ऑफिशियल के साथ और दो प्राइवेट टेस्ट।
तो दो है यहाँ पर, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है जो भी होगा ये प्लूरल होगा। तो प्लूरल में कौन कौन होगा आप देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या ऑप्शन है, पीपल है, पीपल हो सकता है, ठीक है, लेकिन देखते हैं। पीपल पीपल तो जनरली जो है प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर जो केस है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दो प्राइवेट पीपल तो नहीं होगा, ठीक है। पीपल मतलब कि जिसको अननोन है, कोई भी पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है पीपल की बात होती है, तो वो तो होगा नहीं आप, क्योंकि यहाँ पर जो है जिसको जिसको नामित किया गया है वो कहीं ना कहीं नॉन है, तो यहाँ पीपल होगा नहीं। आइए देखते हैं, पर्संस, यस पर्संस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिविजुअल नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगल है आपका, कंपनी भी नहीं होगा, सिंगल है, तो यहाँ पर केवल आपका पर्सन, टू पर्सन, ठीक है ना, टू प्राइवेट पर्सन हो जाएगा आपका, राइट हो गया। या द केस हैज बीन डैश ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम सतीश साना बाबू, अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद। ये जो केस जो है, ये जो मामला है, ये जो आरोप लगाने का, उसे क्या किया गया था, एक कंप्लेंट, एक कंप्लेंट यानी कि कह सकते हैं शिकायत पर इस केस को क्या करते हैं, दायर करते हैं, यानी कि उसके लिए बहुत सारे यूज, द केस हैज बीन फाइल्ड, द केस हैज बीन, चूंकि हैज बीन लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ईडी होगा, यानी कि वी3 होगा फिर से यहाँ पर। तो आइए देखते हैं चार नंबर में क्या हो सकता है। ये देखिए, फाइल तो होगा नहीं, अगर फाइल्ड हो जाता है यहाँ पर तो बिल्कुल होता है, तो ये तो होगा नहीं। एक्यूज्ड, चूंकि केस को हम एक्यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। अटेम्प्टेड, कोशिश नहीं कर सकते हैं केस को, ठीक है ना, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। केस हैज बीन रजिस्टर्ड, यानी केस को रजिस्टर्ड किया गया एक कंप्लेंट में, किनके द्वारा किया गया था, कि ये कंप्लेन सतीश साना बाबू के द्वारा, जो कि एक बिजनेसमैन है हैदराबाद से। मोर देन 3 करोड़ रुपीज वर पेड डैश ब्राइब्स बाय द डैश फॉर गेटिंग रिलीफ इन अ केस डैश मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरेशी एंड अदर्स, द एजेंसी सेड। एजेंसी ने क्या कहा, अब देखिए, एजेंसी ने कहा कि यह जो है 3 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है उसे पे किया गया, यानी कि भुगतान किया गया, किसमें, घूस में, तो इन ब्राइब्स होगा, देखते हैं है कि नहीं। देखिए, गिफ्ट तो होगा नहीं, ये कर गया, ऑन होगा नहीं, ऑन ब्राइब्स नहीं होता है, इन ब्राइब्स होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, एट ब्राइब्स, ऑफ ब्राइब्स होगा नहीं, तो ये सिंपल सा है। तो ये जो है मोर देन 3 करोड़ रुपीज वर पेड इन ब्राइब्स बाय द डैश, ये किसके द्वारा कंप्लेन किया गया था, तो कंप्लेन करने वाला कौन होता है, कंप्लेनेंट होता है, तो ऑब्वियस है कंप्लेनेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि कंपनी तो होगा नहीं, फ्रेंड होगा नहीं, एटीएम और क्रेडिट कार्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो कंप्लेनेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये किस लिए, ये जो पे किया गया था ब्राइब्स कंप्लेनेंट के द्वारा, फॉर गेटिंग रिलीफ, राहत पाने के लिए, इन अ केस, एक केस में जो कि मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरेशी और अन्य लोगों के खिलाफ किया गया था। तो खिलाफ का क्या मतलब होता है, देखते हैं क्या है, यस अगेंस्ट, तो अगेंस्ट हो जाएगा आपका, फोर नहीं होगा, क्योंकि आप कंप्लेन किसी के खिलाफ करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। डिफाइनिंग तो होगा ही नहीं, डिटेल होगा नहीं, डिस्क्राइब होगा नहीं, डिटेल का मतलब जानते ही हैं, विवृत मतलब विवरण जो होता है, मतलब कि डिटेल में होता है, या कह सकते हैं विस्तृत, डिस्क्राइब मतलब वर्णित, ठीक है ना, यानी कि इसको वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका गेटिंग रिलीफ इन अ केस, केस किसके खिलाफ है, अगेंस्ट मीट एक्सपोर्टर, जो मीट का जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं मोइन कुरेशी और अदर्स के खिलाफ, ये कहा किसने, एजेंसी ने, यानी कि सीबीआई ने कहा। द सीबीआई अरेस्टेड मनोज, सीबीआई ने अरेस्ट किया किसको, मनोज को, इन द इवनिंग ऑफ अक्टूबर 16, यानी कि 16 अक्टूबर के शाम को, ठीक है, इन द इवनिंग है, ठीक है ना, इवनिंग के साथ इन लगता है, ऑन नहीं लगता है, याद रखिएगा। सर्चिज वर ऑल्सो डैश ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डैश ऑन सैटरडे, यानी कि ये जो सर्च है, सर्च मतलब ये तलाशी अभियान जो है, वर ऑल्सो मतलब ऑल्सो डैश क्या किया गया, मतलब ऑल्सो डन हो सकता है, या जो भी होगा वर है तो याद रखिएगा ये पेसिव में है, तो यहां पर जो भी होगा V3 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा, कंफर्म तो होगा नहीं, सर्चेस को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, सर्चेस को हेल्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब रोक नहीं सकते हैं, आयोजित नहीं कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कंडक्ट यानी कि संचालित करना,
सर्च मतलब कि ये जो सर्च करने का जो काम है उसको किया गया, उसको संचालित किया गया, रिलीज भी नहीं कर सकते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मैकिंग तो होगा ही नहीं, ये तो हो गई नहीं। तो ये सर्चेस जो है वो कंडक्ट किया गया, यानी कि इसको संचालित किया गया, कहाँ पर किया गया, ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डैश हाउस हो सकता है या कुछ और भी हो, ऑफिस हो सकता है, देखते हैं क्या है कि नहीं। कार तो होगा नहीं, पाथ होगा नहीं, रास्ता में तो उसे करेगा नहीं, ऑन कार तो होगा नहीं, ठीक है ना, ऑन नेम तो होगा नहीं, तो प्रीमिसेस होगा। प्रीमिसेस का मतलब होता है क्या, बिल्डिंग एंड नियर इट्स लैंड, यानी कि इसके आसपास की जमीन और वहां पर जो बिल्डिंग है उसको कहते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। एक प्रीमिस होता है, ठीक है ना, और एक प्रीमिसेस होता है। प्रीमिस जो होता है वो होता है कोई आइडिया दैट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, आधार जो बनाता है उसको प्रीमिस कहते हैं। लेकिन प्रीमिसेस जब होता है, यानी कि जब ये प्लूरल होता है, तो इसका मतलब होता है घर या घर से सटे हुए जो जमीन है उसको कहते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर कंडक्ट किया गया सर्चेज, ये किया गया आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के प्रीमिसेस पर। कब किया गया, ऑन सैटरडे, दिन के लिए जो है हमेशा ऑन लगता है, याद रखिएगा। अर्लियर, इसके पहले ये घटना घटी ना, उससे पहले की बात है। डिस्पाइट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि बार बार प्रश्न उठाने के बावजूद मीडिया के द्वारा, ठीक है ना, डिस्पाइट रिपीटेड मतलब बार बार क्वेश्चंस सवाल उठाने के बावजूद मीडिया के द्वारा, द एजेंसी एजेंसी ने क्या किया था, डैश डिड नॉट कन्फर्म्ड। तो डिड नॉट कन्फर्म्ड है यहाँ पर देखिए, और एजेंसी के जो यहाँ पर जो है ये एक्टिव सेंस में होगा, क्योंकि ये पैसिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि वाज इज एम ये तो हैव बीन वगैरह तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स के माने मतलब जानते हैं, घटनाएं जो मतलब कि जो घटनाएं घटी है उसने, एजेंसी ने कोई भी कंफर्म नहीं किया डेवलपमेंट्स के बारे में, ये जो घटनाएं घटी है उसको उसको उसके बारे में उन्होंने कंफर्म नहीं किया, पुष्टि नहीं की। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें, डिड तो होगा नहीं, डिड के साथ ईडी नहीं लगता है, ठीक है। आर जो होगा, अगर होता भी तो यहाँ पर एजेंसी आर नॉट कंफर्म नहीं है, क्योंकि एजेंसी खुद कर रहा है, क्योंकि ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है, तो यहाँ पर आर भी नहीं होगा। चलिए आर भी कट गया, कहाँ गया, हाँ आर भी कट गया यहाँ पर, डिड भी कट गया, इज भी कट गया, अच्छा हैव बचा। तो हैव तो एजेंसी के लिए तो आएगा नहीं, हैज होता तो आ सकता था, लेकिन ये तो अर्लियर की बात है, तो अर्लियर यानी कि एक तो पास्ट में घटना घट रही है और उससे पहले की पास्ट की बात हो रही है, यानी कि एक घटना घटती है यहाँ पर सपोज पास्ट में, लेकिन उससे और एक घटना घटती है यहाँ पर, तो ये जो है अर्ली पास्ट हो जाता है, ये लेटर पास्ट हो जाता है। लेटर पास्ट के लिए जो है हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, और ये लेटर मतलब अर्ली पास्ट के लिए जो है हम प्रेजेंट मतलब कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ये पता है आपको। तो यहाँ पर जो है हैड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस करने के बावजूद जो है एजेंसी ने क्या किया था, उसने हैड नॉट, यहाँ हैड हो जाएगा, कंफर्म द डेवलपमेंट्स, इस डेवलपमेंट्स को उसने कंफर्म नहीं किया, पुष्टि नहीं किया था। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर डालें, और साथ ही जो भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताएं, अपने कमेंट बॉक्स पर अपना प्रश्न पूछें या जो दिक्कतें हैं वो बताएं, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।